हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर्स। सो गाइस, यहाँ पे डी नोरा इंडिया लिमिटेड क्वार्टर वन का कंपनी का रिजल्ट यहाँ पे क्या निकल के आ चुका है। कंपनीज के नंबर इफ अगर आप देखने जाएंगे तो डेटा इसके लैक्स में दिए हुए हैं, बट आपको मैं क्या क्रोस में काउंट करके बताऊंगी। कंपनीज के इफ अगर आप रेवेन्यू देखने जाओगे तो करंट क्वार्टर में कंपनी ने रेवेन्यू कितने का जनरेट किया, 12.75 करोड़ का, जो कि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था 16.17 करोड़ का। सो क्वार्टरली बेस कंपनी के जो नंबर्स ऑफ रेवेन्यू है ना, लगभग क्या 3.42 करोड़ के आसपास क्या गिरता देखने को मिलेगा। वही ईयरली बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू अगर कंपेयर करोगे ना, सो 2023 के जून क्वार्टर में कंपनी ने 9.40 करोड़ का जो एक रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि लगभग अभी क्या 12.75 करोड़ बढ़ गया है। सो यहाँ पे नंबर्स ऑफ जो कंपनीज के रेवेन्यू है ना ईयरली बेसिस पे अगर आप देखोगे सो 3.61 करोड़ के आसपास क्या बढ़ता देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कंपनी के एक्सपेंस देख रहे थे, कंपनी के एक्सपेंसेस यहाँ पे दिए हुए। करंट क्वार्टर में कंपनी लगभग कितना 10 करोड़ के आसपास ही लगभग एक्सपेंस किया है, पिछले क्वार्टर में भी 10 करोड़ के आसपास, बट पॉइंट में भी अगर आप देखोगे ना सो लगभग जो कंपनी का मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या हमको कम देखने को मिला, लगभग क्या 0.05 का, मीन्स लगभग 5000 के आसपास कंपनी का जो एक्सपेंस है क्या बढ़ा है ये ईयरली लाइक क्वार्टरली वाइज। ओके, ईयरली बेसिस पे कंपनी का एक्सपेंस देखोगे ना सो यहाँ पे 9.60 का एक्सपेंस है, यहाँ पे 10.22, सो लगभग कितना ईयरली बेसिस पे देखो तो 0.62 करोड़ के आसपास लगभग क्या कंपनी का जो एक्सपेंस बढ़ता देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम कंपनी के नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। कंपनी के नेट प्रॉफिट यहाँ पे दिए हुए, करंट क्वार्टर कंपनी में कितना 2.88 का प्रॉफिट किया, पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 5.65 करोड़ के आसपास क्या प्रॉफिट किया था। क्वार्टरली वाइज कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे ना सो लगभग क्या 2.80 करोड़ के आसपास क्या कम देखने को मिल रहा है, लगभग क्या इतना नेट प्रॉफिट गिरा है। ईयरली बेसिस पे देखोगे तो यहाँ पे कितना 2.88 का प्रॉफिट, पिछले क्वार्टर में 2023 के जून के क्वार्टर में कंपनी ने कितना 0.52 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया था। सो कंपनी क्वार्टरली वाइज अगर आप देखोगे तो गिरता देखने को मिला, बट ईयरली बेसिस पे कंपनी का जो प्रॉफिट है ना 2.36 के आसपास क्या बढ़ता देखने को मिल रहा है। सो यही आपको सजेस्ट करूंगी, हो सके तो स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए ही आप प्रीफर कीजिएगा फॉर दी होल्डिंग्स के लिए। सो ये था कंपनी क्वार्टर वन का रिजल्ट। सो आई थिंक आपके जो डाउट क्लियर हो गए हैं, सो गाइस लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।